तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए। धरती की जाति का लाल बाहों में ताकत आंखें जैसे बाज। जंगल का दुलार गोंड का अहंकार। चीज दोबारा कर लूंगा, हर जगह दोबारा चल लूंगा। अपकमिंग फिल्म का सीक्वल होने वाला है फिल्म R4 और किस तरीके से रिलीज किया जाएगा ओरिजिनल फिल्म और सीक्वल फिल्म को, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म R4 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन उसके सीक्वल की चर्चा होने लगी? जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि अभी कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हुई लेकिन उसका सीक्वल उसके ही जितना चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म RRR यानी कि RRR अभी तक रिलीज नहीं हुई है लेकिन उसका सीक्वल यानी कि R4 चर्चा में है। अब ऐसा मेकर्स ने क्यों किया? अब मैं आप सभी को बता दूं कि मेकर्स का मानना है कि वो इन दोनों फिल्मों को साथ रिलीज कर एक बहुत ज्यादा अहम डिसीजन ले रहे हैं और इस तरीके से दोनों फिल्मों को साथ रिलीज करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उनका मानना है कि पहले फिल्म RRR आएगी और उसके बाद उसके तुरंत बाद फिल्म R4 आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम RRR यानी कि RRR की बात कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म RRR को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर SS राजामौली ने और इस फिल्म में हमें नजर आएंगे साउथ के दो बड़े नाम जो है रामचरण और रामा राव। इसके अलावा फिल्म में हमें बॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे भी कैमियो करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें आलिया भट्ट और अजय देवगन और साथ साथ हॉलीवुड से रे स्टीवनसन और एलिसन ड्यूडी काम करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों सवाल आता है कि दोनों फिल्मों को रिलीज किस तरीके से किया जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले फिल्म RRR को इसी साल यानी के साल 2021 13 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही फिल्म R4 को रिलीज के लिए रेडी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फिल्मों को साइमल्टेनियसली रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों फिल्म R4 से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि हमें इस फिल्म में भी अजय देवगन काफी अहम कैमियो करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, दोनों ही फिल्में बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोनों फिल्मों में हमें दिखाया जाने वाला है एंशियंट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इन फिल्मों में हमें नजर आएंगी हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिशर्स के साथ अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम की लड़ाई। जी हाँ, यानी कि फिल्म का कॉन्सेप्ट, फिल्म की कहानी और फिल्म के किरदार तीनों ही ब्लॉक बस्टर होने वाले हैं। तो आप इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।